हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिछली वीडियो गाइस इनकम्पलीट रह गई थी इकोनॉमिक्स के हम लोग का यहाँ चैप्टर चल रहा था हमारा टारगेट वही था कि उसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे पर गाइस लाइट ऑफ हो गई थी लाइट जाने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं कर पाया था और वो भी शाम का टाइम था तो इसी वजह से बेसिकली रात का टाइम था बारह एक बज रहे थे तो इस वजह से नहीं हो पाई थी तो हम लोग इस वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो चलो हम लोग यहाँ से छोड़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता है प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है वो विचारधारा है वो रास्ते जिसमें हम चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं वैसी commercial bank के भी principles है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी पहला है principle of liquidity. Liquidity मतलब क्या होता है ऐसी चीजें जो तो में convert हो जाए तुरंत शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम अब बताओ वर्ल्ड का मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा है भैया कैश है yes बिल्कुल राइट right से का जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो कैश है ठीक है इस पूरे वर्ल्ड का डिपोजिटेबल ऑन डिमांड पीरियड और कैश टू मीट द डिमांड फॉर कैश ऑल कमर्शियल बैंक कस्टडी बोल रहा है कि जो डिपोजिटर्स होते हैं जिन लोग बैंक में आते डिपॉजिट करने कस्टमर लोग है ना उन लोग रेगुलरली डिपॉजिट करते रहते निकालते रहते डिपॉजिट करते रहते निकालते रहते तो इसी वजह से ना बैंक को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ रिजर्व अपने पास हर टाइम रखना पड़ता है ठीक है देखो कस्टडी ठीक है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइविंग फोर्स ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइजेज टू सो जनरेट प्रॉफिटियल बैंक ऑल्सो बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो मोटिव है कमर्शियल बैंक के काम करने का वो क्या है प्रॉफिट कमाना है तो इसलिए जो driving force होता है तो इसीलिए जो ड्राइविंग फोर्स होता कमर्शियल बैंक को जो काम करने के लिए मजबूर करता है वो होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन जो कि बहुत ज्यादा होता है ठीक है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोल्वेंसी कमर्शियल बैंक शुड फाइनेंशियली साउंड एंड में रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर रनिंग द बिजनेस बाई सोल्वेंसी कमर्शियल बैंक इतना बड़ा एक सिस्टम होता है ना कि अगर कमर्शियल बैंक इंसॉल्वेंट हुआ तो भाई करोड़ों लोगों का करोड़ों लोगों का पैसा डूबेगा तो कमर्शियल बैंक को एक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए ताकि उनका जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न भाई चलता ही रहे जैसे अभी रिसेंटली बताओ यस बैंक डूबा यस बैंक डूबा ना अभी रिसेंटली एक बात बताओ तो कितना ज्यादा क्राइसिस हुआ कितने सारे लोगों को पैसा नहीं निकाल पा रहे थे लिमिट लगा दिए थे कि पचास हजार से ज्यादा निकाल नहीं सकते तुम लोग तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी इससे क्या होता है ना बेसिकली जो जनरल पब्लिक होती है हम लोग हम लोगों का ना भरोसा उठ जाता है क्या होता है इससे प्रॉब्लम हम लोगों का ना बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है ये सब चीजों के होने के कारण नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वाइल इन्वेस्टिंग द फंड बैंक आर टू बी कॉशियस बिकॉज बैंक मनी इज डिपोजिटर्स मनी बोल रहा है बैंक कैसे कमाता है बताओ भैया बैंक ना डिपॉजिट वाला पैसा लेके लोन देके कमाता है मैं बोला एक और तरीका है बैंक ना कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी करता है जो तो तुम लोग पैसा डिपॉजिट करते हो ना बैंक कहीं शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड में कहीं भी फंड में इन्वेस्ट कर देता है तो बैंक को बहुत सेफली बहुत कॉशियस होके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए वो जहां भी इन्वेस्ट कर रही भैया रीजन क्या है रीजन बहुत सिंपल सा है क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं वो तुम्हारा पैसा इसलिए तुम्हारे पैसे का ध्यान बैंक को रखना पड़ेगा ठीक है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ सेविंग दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टू बैंकिंग बिजनेस कमर्शियल बैंक ऑलवेज सीक हूज अमाउंट ऑफ आइडल मनी फ्रॉम दियर क्लाइंट नॉ डेज बैंक फिक्स अप द टारगेट फॉर दर इम्प्लॉइज टू जनरेट मोर सेविंग्स फ्रॉम द पीपल तो बोल रहा है भाई आजकल बैंक टारगेट सेट करती है अपने इंप्लॉइज के लिए कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स लानी है जो भी लाने है, जैसे भी तुमको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को लेकिन तुमको ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट बैंक के तरफ लाना है ज्यादा से ज्यादा ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके ठीक है प्रिंसिपल ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट द मेन अर्निंग सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग मनी टू द वायबल प्रोजेक्ट सो कमर्शियल बैंक ऑलवेज ट्राई टू अर्न प्रॉफिट थ्रू साउंड इन्वेस्टमेंट तो भाई कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा कमाने का जरिया क्या है लोन देना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट करना पैसे को जो डिपॉजिटर का पैसा है तो कमर्शियल बैंक को ज्यां, ज्यां से ऐसी जगह पे लोन देना जहां से उनको जहां से उनको इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जग, ऐसी जगह करना जहां पैसा डूबे ना तो बैंक का घाटा है साथ साथ में हमारा भी घाटा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बैंक नेवर गो फॉर एनी ऑलवेज ट्राई टू में प्रॉफिट तो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कमर्शियल बैंक कभी भी बेफिजूल खर्चा नहीं करती बैंक कभी बेफिजूल खर्चा नहीं करती जहां उनको लगता है जहां उनको रिक्वायर्ड रहता है वही खर्चा करती है बाकी वो कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा इकनोमी ऑफ स्केल जानते हो ना कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करती है प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस अ बेटर सर्विस ब्रिंग ग्रेट रेपुटेशन फॉर द बैंक तो कमर्शियल बैंक को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने बैंक में वो एट पार हो बहुत अच्छी हो बाकी कॉम्पिटिटर्स अच्छी हो ताकि लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम पे बना रहे ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी कमर्शियल बैंक मेंटेन एंड कीप द क्लाइंट अकाउंट सीरेटली नो बडी भाई कमर्शियल बैंक को किसी भी कस्टमर का डेटा लीक नहीं करना चाहिए क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारा एवरीथिंग पूरी कुंडली रहती है उनके पास वो उन लोग चाहे तो हमारा कुंडली निकलवा के रिश्ता दिखवा सकते हैं तो उनको हमारी डेटा को सिक्योर रखना है उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है एक्सेप्ट कोई लेजिटिमेट पर्सन मांगे या फिर गवर्नमेंट मांगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मांगे तब फिर दे सकते हैं मतलब सोच सकते हैं बाकी ऐसे सिचुएशन में किसी को भी हमारा डेटा नहीं दे सकते प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इट इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक यस वी नो इट इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक अभी हम लोग पढ़ रहे किसे पढ़ रहे टेक्नोलॉजी से तो पढ़ रहे ना, ना? है टू कॉप एडवांस वर्ल्ड द कमर्शियल बैंक हैज टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक टेक्निकल सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा तो बोल रही है इस एडवांस वर्ल्ड के के साथ कोप अप करने के लिए कमर्शियल बैंक को जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती जो मॉडर्नाइजेशन होता रहता है जो बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व होता रहता है चेंज होता रहता है उसके साथ टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए अब ये ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडिट कार्ड तो पुराना एक्जाम्पल हो गया ठीक है आजकल की बात करूँ तो यूपीआई ट्रांजेक्शन है ना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये सब चीजें सेकेंड्स में हो जानी चाहिए ठीक है तो बैंक को ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन आज भी जो लोकल लेवल के बैंक होते हैं या फिर जो सोसाइटीज होती हैं या फिर जो स्टेट लेवल के बैंक होते वहां पर यूपीआई यूपीआई की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है उनको करवाना चाहिए ठीक है जैसे तुम जाओगे ना तो जैसे मेरा एक लोकल बैंक है है ना जहां पर मम्मी का अकाउंट है तो वहां पर अभी तक के वो जो बैंक है वो रजिस्टर्ड नहीं है गूगल पे में अभी तक के सोचो तो, तो उसमें ट्रांजेक्शन हो नहीं सकते क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है समझे दे एफिशिएंसी तो स्पेशलाइजेशन कैसे आती है भैया डिवीजन ऑफ लेबर से आती है तो कमर्शियल बैंक को सारे डिपार्टमेंट अलग अलग करके कि ये भाई कैशियर है ये भाई मैनेजर है ये वहां बैठेगा ये वहां बैठेगा ये सर्विस ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देखेगा का, डेबिट कार्ड फैसिलिटी देखेगा का, तो ये सभी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करवाएगा ऐसे करके वहां पर जो स्पेशलाइज बंदे होंगे उस स्ट्रीम के उनको बैठा दो ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो स्पेशलाइजेशन मतलब होता क्या एक्जैक्टली exactly? स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि तुम एम्प्लॉय को बीस हजार रुपए सैलरी दे हो ना उसमें वो जै, जैसे जैसे, जैसे उस काम को रिपीटेटिवली करते जाएगा उस काम को करने में वो माहिर हो जाएगा और जब वो उस काम को करने में माहिर हो जाएगा तो वो कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा आउटपुट तुमको देगा ठीक है प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन कमर्शियल बैंक चूज साइट अबल साइटिलिटी ऑफ कस्टमर इज लार्ज तो बोल रहा है भाई कंज्यूमर जो कमर्शियल बैंक है वो किसी ऐसी जगह पे अपना ब्रांच सेट करे जहां पर कस्टमर बेस ज्यादा हो जहां पर कस्टमर बेस ज्यादा हो ताकि उसका ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हो सके अब जैसे एक एग्जांपल भी लेता हूं पिछले वाले पॉइंट का तो जैसे तुम लोग अगर सीएमए का फॉर्म ऑनलाइन भरने जाते हो तो तुम लोग की कितनी प्रॉब्लम होती है बहुत प्रॉब्लम होती है तुम लोग को बहुत टाइम लगता है आधा एक घंटा लग जाता है भरने में पर वही अगर मैं भरने बैठू मैं दस पंद्रह मिनट में खत्म कर दूंगा पूरा कार्यक्रम तो, तो मेरे को क्या हो गई है? आदत हो गई है तो इसीलिए कस्टमर कमर्शियल बैंक को हमेशा रिश्ते मजबूत बनाने चाहिए देखो रिश्ता वही होनी चाहिए सोच नहीं होनी चाहिए कमर्शियल बैंक को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कस्टमर के ऊपर बना के रखना चाहिए ठीक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी इट इज द एज ऑफ पब्लिसिटी इफ यू वुड लाइक टू अर्न मोर मनी यू हैव टू गिवि एडवर्टीजमेंट थ्रू वेर इस मीडिया इन डैटियल बैंक फॉलो द काइंड ऑफ प्रिंसिपल टू इंक्रीज दियर कस्टमर सिंपल सुम कमर्शियल बैंक हो तुम प्रॉफिट अर्निंग के लिए हो तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन नहीं हो तो तुमको पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट सेलिंग का कॉस्ट ये सब बियर करके अपने आपको मार्केट में ऊँचा उठाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटर्स समझे बात जैसे एसडीएफसी जो है देखो अब उसका कितना अच्छा कस्टमर बेस है, है ना इंडिया में तो वही है साउंड बैंकिंग सिस्टम भाई साउंड सिस्टम मतलब तगड़ा बैंकिंग सिस्टम के क्या हो सकते हैं साउंड बैंकिंग सिस्टम मतलब एक तगड़े एक मस्त मजबूत बैंकिंग सिस्टम के क्या हो सकते हैं तो देखो पहला है एडिक्वेट लिक्विडिटी सबसे बड़ी बात बैंक के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी होनी चाहिए क्योंकि बार बार कस्टमर निकालते रहता है डालते रहता है निकालते रहता है डालते रहता है पैसा तो इसीलिए कस्टमर जो कमर्शियल बैंक है उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी होना चाहिए तो देखो अ बैंक मस्ट कीप सफिशिएंट कैश इन हैंड टू मीट द क्लेम्स ऑफ डिपॉजिटर अदरवाइज They would be insolvent, a bank failure.

तो हमारा खुद का पैसा हम इन्वेस्ट थोड़ी किए थे वो तो मेरा खुद का पैसा था ना है ना तो इसीलिए लोगों का विश्वास जाएगा और लो फिर से पैसा अपने में रखना चालू कर देंगे एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग शुड स्प्रेड थ्रू आउट द इकोनॉमी इट मस्ट ऑल्सो कवर ऑल ऑफ पीपल इन नीड ऑफ एंड ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुड गेट मोर बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन अदर देन अदर्स ओके दस डिफ्यूजन ऑफ बैंकिंग ऑफिस इज असेंशियल तो बोल रहा है कि बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फैलाना जरूरी है एक्सपेंड करना जरूरी है बैंकिंग सिस्टम को हर जगह लाना जरूरी है क्यों क्योंकि भाई जो अंडर डेवलप जगह होती है वहां पर डेवलपमेंट की नीड है और वहां डेवलपमेंट की नीड है तो वहां फंड्स की नीड है और वहां फंड्स की नीड है तो वहां बैंकिंग सिस्टम की नीड है तो बैंक को एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है एक्सपेंशन ऑफ बैंक जो है वो ऑल्सो साउंड सिस्टम है जैसे तुम देखोगे एसबीआई की तुम लोगों को ब्रांच हर गाँव और सब जगह मिल जाएगी एस बी आई की ब्रांच जबकि भाई एच डी एफ सी बैंक की तुम ब्रांच देखो तो भाई मेरे घर के बाहर रोड पे जाओगे तो एक किलोमीटर के ड्यूरेशन में दो एच डी एफ सी की बड़ी बड़ी ब्रांचेस है सोचो दो एच डी एफ सी की बड़ी बड़ी ब्रांचेस है एक किलोमीटर के अंदर और इधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो डेढ़ किलोमीटर में फिर एक ब्रांच है तो भाई मैं बोलू तो पांच किलोमीटर के दायरे में तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस है एच डी एफ सी की सोचो तो भाई ये गाँव में भी होना चाहिए ये बात बोली जा रही है बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट एंड लोन पॉलिसी अ साउंड बैंकिंग सिस्टम मस्ट हैव अ साउंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वेयर बाय इट कैन ऑप्टिमाइज द ट्विन गोल्स ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी और एक साउंड बैकिंग जहां पर वो लिक्विडिटी मेंटेन तो कर पाए लिक्विडिटी और साथ साथ में प्रॉफिट भी कमा पाए क्योंकि तो कमर्शियल बैंक का टारगेट ही प्रॉफिट कमाना है If loan investment are wrong, a bank suffer loss or face liquidity shortage, a prudent banker should carefully determine the composition and character of its loan in advance as to optimize earning without entering एंडेन्जरिंग सेफ्टी एंड सॉल्वेंसी तो सिंपल सी बात है अगर बैंक का एक डिसीजन गलत निकला एक गलत जगह इन्वेस्टमेंट हुई करोड़ों रुपए डूब जाएगा लिक्विडिटी इफेक्ट इफेक्ट हो जाएगी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी एट सेम टाइम होगी तो बैंक को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोच समझ के प्रूडेंट बैंकर होकर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे एक तो सॉल्वेंसी मेंटेन रहे लिक्विडिटी मेंटेन रहे प्लस साथ में प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो तुम्हारा टारगेट है वो भी अचीव हो जाए तो ये बैंक को ध्यान रखना चाहिए समझ में आई क्या बात यस yes? देखो ह्यूमन फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स तो भाई हर ऑर्गनाइजेशन में जरूरी है सिर्फ बैंक की बात क्यों कर रहे होशन में ह्यूमन फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट तो द साउंडनेस ऑफ अ बैंक डिपेंड्स मच ऑन द क्वालिटी ऑफ बैंकर बैंकिंग बिंग अ प्रैक्टिकल अफेयर रिजिट एप्लीकेशन ऑफ बैंक लॉज एंड नॉट ऑलवेज फ्रूटफुल डिपेंड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन पायलोटिंग सिस्टम जो है, वो भाई एक वाला है. इसको तुम पूरा मशीन से नहीं करवा सकते यहाँ बहुत सारी चीजें सोचने समझने वाली बहुत सारी चीजें दिमाग यूज करने वाली है ठीक है तो यहां पर एक ऐसा पायलट है बैंकर जो कि टाइम टू टाइम जो है ऑटो पायलट में नहीं डाल सकता उसको टाइम टू टाइम चीजों को चेंज करना पड़ेगा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा उसको डिसीजन मेकिंग

वो बैंक से रूटेड है मतलब कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा तभी इस चीज को हम समझा पाएंगे तभी इस चीज को हम समझा पाएंगे अगर तुम ये दो लेके चलोगे तो जैसे मान लो एक डिपोजिटर आया ये अपना सौ रुपए डिपोजिट कर दिया बैंक में अब बैंक क्या करेगी ना इसका दस परसेंट रिजर्व रख लेगी दस रुपए और नब्बे रुपए का लोन दे देगी एक बंदे को अब मैं क्या बोला हर ट्रांजेक्शन बैंक से रूटेड है तो अल्टीमेटली ये नब्बे रुपये बैंक में ही आया होगा फिर से

जो तुम्हारा पूरा पूरा जो वो है जो ये पूरा साइकिल है वो तुम्हारा मनी क्रिएशन इज इक्वल टू तुम्हारा कितना परसेंट तुम रिजर्व रख रहे थे कितना परसेंट तुम अपना रिजर्व रख रहे थे भैया टेन परसेंट तो टेन परसेंट मतलब होता LRR. LRR तो 10%. तो कितना होता है तुम्हारा वन अपॉन एल आर आर बेसिकली एल आर आर तुम्हारा लीगल रिजर्व रेशियो है तो वन अपॉन एल आर आर यानी दस परसेंट तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टेन इंटू हंड्रेड हो जाएगा परसेंट में है ना

लोन का अमाउंट टाइम्स हो जाएगा तो हर चीज दस दस गुना हो जाएगी एक ही सौ रुपए का नोट एक ही सौ रुपए का नोट इतने, गोल -गोल इतने, गोल -गोल इतने गोल -गोल वैल्यू का, का क्या हो गया दस गुना हो गया बैंक उसको इतने बार घुमाई बैंकिंग सिस्टम के अंदर इतने बार उसको सर्कुलेट की बैंक की वो अपने ही वैल्यू का कितना हो गया दस गुना हो गया समझ में ही बात देखो बाल परेशान कर रहे हैं देखो अ कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो क्रेडिट ठीक है इट कैन क्रिएट क्रेडिट दैट इज कैन एक्सपेंड द बेस ऑफ अ कंट्री मतलब भाई पैसा बढ़ा सकता है इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ा सकता है गोल गोल रानी खेल के इट सो नॉट बाई इश्यूइंग न्यू मनी बट बट इट्स लोन ऑपरेशन बोल रहे मनी नहीं छापेगा समझो मेरी बात को नोट नहीं छापेगा बस ये जो लोन फंक्शन करता है ना इसी से पैसा बना लेगा ठीक है

लेना लोन देना इसको हम मिला दे तो हमको ये पता चलेगा अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट बन के आ रहा है ये तो इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज्यादा बन के आ रहा है इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते मतलब आठ सौ रुपए लोन में दे देगी दो सौ रुपए अपने पास रख लेगी आठ सौ रुपए लोन में दे देगी तो डिपॉजिटर विल क्लेम ही है तो डिपॉजिटर बोलेगा मेरा एक हजार रुपए और लोन वाला बोलेगा की आठ सौ का लोन लिया ठीक है

प्रोसेस विल कॉमी यही बोला था मतलब सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो ठीक है जो बैंक अपने पास रखती है संभाल के तो भाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो पैसा है जो सौ रुपये इनिशियल वैल्यू थी और तुम्हारे एग्जाम्पल हजार रुपये इनिशियल वैल्यू थी वो अपने खुद का कितना हो जाएगा वन अपॉन सी एल आर आर करू मैं

आप कुछ लिमिटेशन पे गौर फरमा ले तो लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या है पहला साइज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो तो मस्ट डिपेंड ऑन द मिक्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो क्रेडिट क्रिएशन इज रिलेटेड टू सी आर को बता ही चुका हूँ इसका मतलब समझो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इसको लिख भी लेना ताकि याद रहे वन अपॉन सी आर आर मैं एल आर आर लिखता हूँ लीगल रिजर्व रेशियो वही है सीआरआर ये ठीक है तो ये दोनों क्या है इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं मतलब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तब सी आर आर कम होगा समझे सी आर आर कम होगा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा और जब सी आर आर बढ़ते जाएगा क्रेडिट क्रिएशन कम होते जाएगा भैया तो इसका लॉजिक क्या ये बताओ भाई तू एक बात समझ मेरी मान ले तू हजार रुपये डिपोजिट किया बैंक में ठीक है और मान ले सी आर आर पचास परसेंट है तो तू तो पांच सौ अपने पास ही रख ले रहा है रिजर्व और सिर्फ पांच सौ का लोन दे पा रहा है तो कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ एग्जाम्पल तुम्हारी तो बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं तो पंद्रह सौ का क्रेडिट क्रिएशन हुआ तो एक बात बता सीआरआर ज्यादा था सी आर ज्यादा था तो क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ ना लेकिन उसका उल्टा कर देते हैं सीआरआर को हम लोग दस परसेंट कर देते हैं ठीक है तो अब तू सिर्फ दस परसेंट रखेगा नौ सौ लोन दे देगा तो उन्नीस सौ का क्रेडिट क्रिएशन हो गया है ना तो इसीलिए बोला जाता है कि सीआरआर ज्यादा है क्रेडिट क्रिएशन कम होगा पर सीआरआर कम है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा सीआरआर इज अ मिनिमम फंक्शन ऑफ द टोटल टोल डिपोजिटिफ कस्टमर विद कमर्शियल बैंक टू होल्ड रिजर्व इधर इन कैश और डिपॉजिट डिपोजिट सेंट्रल बैंक वॉट इज सीआरआर CRR मतलब होता है वो मिनिमम अमाउंट जो तुमको सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है तुमको सेंट्रल पास। पास बैंक क्या है आरबीआई है, के पास तुमको रखवाना है ठीक है इट इज सेट एज पर गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री और भाई सेंट्रल बैंक खुद ही डिसाइड करती है कितना सीआरआर अपने को रखना है अपने पास अमाउंट ऑफ लोन गिवेन क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड अपॉन द अमाउं इफ बोवर के नॉट ऑफर सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन बट कैनॉट बैंक के नॉट लैंड तो सिंपल सी बात है अगर बोरोवर सिक्योरिटी नहीं देगा बोरोवर कौन जो लोन लेने आता है वो सिक्योरिटी नहीं देगा तो बैंक उसको नहीं देगी लोन ठीक है साइज ऑफ एज डिपॉजिट साइज ऑफ इसका मतलब भैया ये लिमिटेशन कैसे हुआ ये नहीं समझ में हम लिमिटेशन ऐसे हुआ कि मान लें मेरे पास आठ सौ रुपए है ना लोन लेने के लिए पर सामने वाला बंदा आया लोन लेने के लिए बोल रहे सिक्योरिटी नहीं दूंगा तो मैं उसको लोन कैसे दूँ जब वो सिक्योरिटी नहीं देगा तो मैं उसको लोन कैसे दू तो लोन नहीं दिया तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा

एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीबल सिक्योरिटी टू द अमाउंट ऑफ लोन भाई यहाँ पर बैंक तभी लोन देती है जब सिक्योरिटी ऑफर की जाती है और सिक्योरिटी की वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए जैसे मान लें मेरे पास तो आठ सौ रुपए है ना लोन देने के लिए लेकिन सामने वाले इंसान के पास भी तो आठ सौ की सिक्योरिटी होनी चाहिए ना अगर नहीं होगी उसके पास चार सौ की सिक्योरिटी तो मैं सिर्फ चार सौ का लोन दे पाऊंगा कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ भैया सिर्फ चौदह सौ का होगा तो इससे भी इफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी से भी इफेक्ट हो जाता है यह कार्यक्रम कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक अ सेंट्रल बैंक सर्टेन इंस्ट्रूमेंट टू यूज ऑफ दिस इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बाय बैंक तो सिंपल सी बात है सेंट्रल बैंक के पास कुछ ऐसे हथियार है वो हथियार हम लोग आगे पढ़ने वाले ऐसे हथियार है जिससे सेंट्रल बैंक क्या कर लेती है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर लेती है कमर्शियल बैंक जो छा 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 बना रहा होता है, ना है उस पावर्स का क्रेडिट क्रिएशन को स्लो डाउन लेती है तो क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती सेंट्रल बैंक द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट देर आर टू टाइप्स क्वानिटेटिव और क्वालिटेटिव क्वानिटेट टेक्निक्स टू रेगुलेटलिटी द मेजरिटी ऑफ क्रेडिट तो देखो क्वांटिटेटिव क्या करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मतलब जो क्वांटिटी होती है जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी होता है क्रेडिट का उसको कंट्रोल करती है जबकि क्वालिटेटिव क्या करता है अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को मेजर करता है कि कितना अवेलेबल है मार्केट में क्रेडिट कितना अवेबिलिटी है उसको मेजर करता है ठीक है तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन करके रखना देखो मैं जो रेड पेन से अंडरलाइन करता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो उसको तुम लोग जरूर अंडरलाइन किएगा ठीक है सबसे पहले बैंक रेट तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट को जब क्रेडिट कंट्रोल करना है वो बैंक रेट बढ़ा देती है जब उसको क्रेडिट कंट्रोल नहीं करना है जब उसको चाहिए कि बैंक बनाए जब उसको चाहिए कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन करे तो वो बैंक रेट को कम कर देती है तो देखो एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी और द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक तो भाई जो आरबीआई है आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक की बैंक होती है जैसे कमर्शियल बैंक जो है जैसे मान लो एग्जाम्पल ले तो एस जो है वो हमारा बैंक है तो वैसे ही तुम लोग पूछोग एस बी आई का बैंक कौन है तो एस का बैंक जो है वो आरबीआई है ठीक है एज अ बैंकर बैंक मतलब बैंकर लोग का बैंक सेंट्रल बैंक क्या करती है मनी लैंड करती है कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एनी अदर सिक्योरिटी ठीक है क्या करती है लोन देती है किसको कमर्शियल बैंक को उनके शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक को भी तो लोन की कभी कभी जरूरत पड़ती होगी ना तो कमर्शियल बैंक देती है ठीक है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट और इस लोन पे जो वो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको बैंक रेट और डिस्काउंट रेट बोलते हैं

प्रॉफिट मार्जिन और कमर्शियल बैंक मार्केट रेट ऑल्सो राइजेडिट एक्सपेंचर बैंक फॉर रोल एंड डिस्काउंटिंग सिंपल बात है आरबीआई लो, से लोन लेना है और आरबीआई को लोन देती है तो बैंक रेट चार्ज करती है अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा दी मान लो पांच परसेंट था दस परसेंट कर दी

मान लो आरबीआई दे दी तीन परसेंट में लोन तो बैंक दे दी कस्टमर को आठ परसेंट में लोन कस्टमर को लेकर दो दो और दो उसको जरूरत नहीं भी है मान लो उसको दस परसेंट में लोन मिल रहा था पहले अब आठ में मिल रहा है उसको जरूरत नहीं भी है उसको कार नहीं भी खरीदना था उसका कोई प्लानिंग नहीं था पर देखा रहा यार बैंक तो आठ परसेंट में लोन दे रही है कार लोन आठ परसेंट में मिल रहा है लो ले लेते हैं चलो कार खरीद लेते हैं कार तो सबका सपना होता है एक छोटी सी कार हो एक छोटा सा बंगला हो एक सुंदर सी है ना तो ये तो सबका सपना होता है है ना सबका सपना सब होता है तो भाई जब तुमको मिल रहा आठ परसेंट लोन तुम ले लोगे लोन और कार खरीद लोगे तो इससे क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा तो बैंक ऐसी बात है ये तरीका तभी काम करेगा जब बैंक को लोन की जरूरत होगी आरबीआई से जब उनको आरबीआई से लोन की जरूरत नहीं जब उनके खुद के पास सफिशियंट पैसा है तब फिर ये चीज वर्क नहीं करेगी और या फिर अगर उनको कहीं और से सस्ते में मिल जा रहा है अगर उनको कहीं और से सस्ते में लोन मिल जा रहा है बैंक वालों को तो लोग वहां से ले लेंगे ठीक है अगेन इफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आर नॉट प्रेजेंट द मार्केट डिमांड फॉर क्रेडिट विल बी इन द बैंक रेट मे नॉट राइज द लेवल ऑफ बैंक रेट सिंपल सी बात है अगर बोल रहा है यहां पर कि अगर भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मार्केट में मतलब लोन लोगों को लोन की जरूरत ही नहीं है तो भाई रेट कम कर लो तो भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं बढ़ पाएगा जब लोगों को लोन ही नहीं लेना है लोन ही नहीं लेना है तो रेट कम कर दियो तो भी उन लोग लोन नहीं लेंगे ठीक है तो उनको जरूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसे अभी कोरोना के टाइम में कोई लोन नहीं ले रहा होगा क्यों तो नहीं ले रहा होगा क्योंकि तो भाई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है इसीलिए ठीक है ओपन मार्केट ऑपरेशन अब समझो बात को वैसे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी ना कोरोना के टाइम में तुमको बताई नहीं गई है या तुमको दिख नहीं रही है वो बात अलग है कोरोना के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी आई है कि तुम पागल हो जाओगे अपॉर्चुनिटी ग्राप करते करते पर बात यहाँ पर ये लोगों को दिखती नहीं है अपने नेकेटाइज से अपॉर्चुनिटी क्या बोलूंगा मैं ठीक है मार्केट ऑपरेशन market. Market मतलब होता है स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी सेल करके गेम खेलना सिंपल तो देखो जब चलो मैं यहाँ पहले टैक्स पढ़ा देता हूँ फिर मैं तुम लोग समझा देता हूँ टैक्स पढ़ाने के बाद समझाऊंगा नहीं तो समझाने के बाद टैक्स पढ़ो फिर समझाओ डबल काम हो जाता है देखो वेन सेंट्रल बैंक मार्केट एज सेवर्मेंट सिक्योरिटी बाय सच सिक्योरिटी बाय विद्रॉइंग मनी फ्रॉ बैंक और दैक इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटी In either case, the power of creating credit will be restricted. On the other hand, if the central bank buys security money flow out of the enlarging the cash base of the member bank through open market purchase and sale of government security or bond, the central bank can decrease or increase the supply. But at the same time, the effective rate increase interest of the government bond gets changed automatically, with the central bank cannot present. Suppose the government bond in question bear a rate of 10% with a face value of a This implies a yearly return of 100. If the central bank wants to purchase this government bond it ultimately uh, amounts to uh,

अब इसको सेल करेगी आरबीआई जब गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी को तो मनी आएगा इनके पास मनी कौन देगा इनको कस्टमर देगा जो खरीद रहा होगा जनरल पब्लिक देगी या फिर बैंक देगी क्योंकि बैंक खुद भी खरीदती है भाई बहुत प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बहुत प्रॉफिट होता है समझे तो आरबीआई इसको परचेस करेगी ठीक है इससे क्या होगा आरबीआई इसको सेल करेगी तो इससे क्या होगा आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा क्यों आरबीआई पैसा रख ली अब अपने पास रोक के रखेगी पैसे को तो आरबीआई को जब भी इकोनॉमी में पैसा कम करवाना है जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई जब भी आरबीआई को क्रेडिट क्रिएशन कम करवाना है वो सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब आरबीआई को दिख रहा है पैसा बहुत कम हो गया इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है तो आरबीआई परचेस करना चालू कर देगी अब जब वो परचेस करेगी तो अब पैसा जाएगा किसके पास जाएगा फिर से पब्लिक के पास बैंक के पास और जब लोगों के पास फिर पैसा आ जाएगा तो फिर से क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रक्रिया है वो बूस्ट हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन तो चलता ही रहता है कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है तो यहां पर फिर से फास्ट हो जाएगा यहां पर स्लो हो जाएगा समझ में आई बात तो पूरे पूरे पैराग्राफ में तुमको सिर्फ यही चीजें समझा दी थे कि सेल और परचेस करके आरबीआई पैसा लेती है या देते रहती है जब उसको लगता है पैसा देना है तो वो परचेस करेगी जब उसको लगता है पैसा लेना है तो वो सेल करेगी और लोग खरीदते भी है क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव ऑफर होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना समझ में आई बात तो देखो वही चीज बोल रहा है और एक चीज यहाँ पर ये लाइन तुम लोग पढ़ लो

कि अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है ना एक हजार रुपए का और तुमको गवर्नमेंट बोल रही है एक हजार में में परचेस करूंगी तुम नहीं नहीं बेचोगे बेचोगे कोई इतना मूर्ख है जो गवर्नमेंट बॉन्ड उसके हाथ में और वो बेच भाई सबसे सिक्योर्ड है गवर्नमेंट खुद बेच रही है इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकती है तुमको गवर्नमेंट अपनी खुद की बॉन्ड तो तुमको ना गवर्नमेंट क्या देगी अट्रैक्टिव ऑफर देगी क्या अट्रैक्टिव ऑफर देगी दो हजार में परचेस कर रही एक हजार का बॉन्ड लिए थे ना दो हजार में परचेस कर लू अब तुम बेच दोगे क्यों क्योंकि तुमको डबल अमाउंट मिल रहा है तो एक बात समझो तुम्हारा जो रेट ऑफ तुम्हारा इफेक्टिव जो रिटर्न है वो सौ रुपए है पर ईयर सौ रुपए किसका एक हजार का तो कितना परसेंट था दस परसेंट था ना लेकिन अब ये सौ रुपए अगर तुम्हारा दो हजार के वैल्यू पे निकाला जाए तो कितना हो जाएगा ना हो जाएगा बताओ फाइव परसेंट तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये हो पर यह हुआ कि उस गवर्नमेंट बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट थी वो फाइव परसेंट तक गिर गई मार्केट रेट मार्केट रेट जो थी फाइव परसेंट में गिर गई ऑटोमेटिकली विच वॉज नो पार्ट ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक का ये कोई इरादा नहीं था करने का पर हो गया समझ में ही बात तो ये चीज तुमको क्लियर होगी वेरिएशन ऑफ रिजर्व रेशियो

बढ़ा के रखो लीगल रिजर्व रेशियो का पार्ट होता है सीआरआर और एस तो बहन बोलती बढ़ा के रखो मतलब तुम लोग जो डिपॉजिट आ रहा है हजार रुपए आ रहा है तो पांच सौ रुपए अपने पास रख दो तो इससे क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन स्लो हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा स्लो तो सिंपल सी बात है आरबीआई सीआरआर बढ़ाती है क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है आरबीआई सीआरआर कम करती है क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ गई बात ठीक है फिर उसके बाद आ रहा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती मॉरल सुशन ये सब तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट राशनिंग central bank also possesses certain technique by which it can control the direction and distribution of credit purpose wise or area wise द पर्पज ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल इज टू रैशनल एलोकेशन ऑफ केयर बैंक क्रेडिट इन दी यूटिलार्दर सेक्टोरियल डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट एंड कंट्रोलिंग इन अदर डायरेक्शन सर्वज ऑफ प्रिवेंटिंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ऑफ बैंक फाइनेंस एंड फेवरिंग प्रोडक्टिव एक्टिवीज द टेक्निक वेल्यूज इन लेस डेवलप इकोनॉमी विच ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन में हाइडर ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग द्लो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट तो सिंपल सी बात है गवर्नमेंट यहाँ पर क्रेडिट राशनिंग करती है आरबीआई सॉरी गवर्मेंट बोलती है आरबीआई यहाँ पर क्रेडिट राशनिंग करती होता है क्रेडिट राशनिंग कि आरबीआई तुम बैंक ऑर्डर दे देगी कि भाई सिर्फ फार्मर्स को लोन दो सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट को लोन दो बस होम लोन बंद कार लोन बंद ठीक है सब कुछ बंद मतलब इनको सिलेक्टिवली बता देगी कि आप इसको इसको लोन दे सकते हो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को लोन दे सकते हो बाकी किसी को मत देना बाकी किसी को मत देना सिंपल सी बात है तुम भाई इकोनॉमी में सौ लोग लोन मांग रहे हो तुम लोग पांच लोग को लोन दे दो क्रेडिट क्रिएशन होगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्रेडिट क्रिएशन तो यही यहाँ पर वो क्या कर रही है क्वालिटेटिव अप्रोच लगा रही है ठीक है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर सिलेक्टिव आरबीआई यहाँ पर क्या कर रही है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर दी मतलब सिलेक्टिव लोगों को तुम लोन दे सकते हो बाकी जिन लोगों को हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए उन लोगों को तुम लोन अभी इस कार्यकाल के दौरान लोन नहीं दे सकते समझ में ही बात ठीक है और फाइनली मॉरल moralization is a qualitative technique the central bank requests bank to lend more and not to lend in some sector this is a no legal compulsion behind this acceptance there is uh, generally if a request is not carried out by the number of bank the guardian of the banking system may take steps uh, as bank are forced to accept the central bank is often empowered to issue directive to the member bank the director direct order are in the form of director uh, डायरेक्शनल कंट्रोल प्रोहिबिटिंग लोन्स ऑफ ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स गिविंग एडवाइस टू ग्रांट लोन टू द सेक्टर सिंपल सी बात है यहाँ पर मॉरल सुन में बैंक जो है ना वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है आरबीआई इमोशनल ब्लैकमेल करती है कमर्शियल बैंक को कि गाइज ये ये प्रॉब्लम आ रही इकनमी में तो प्लीज अभी फिलहाल के लिए तुम कुछ समय के लिए लोन्स मत दो कुछ समय के लिए तुम कुछ सेक्टर्स को लोन मत दो कुछ सेक्टर्स को दो जो प्रायरिटी सेक्टर है प्रायरिटी सेक्टर्स को लोन दे सकते हो पर बाकी लोगों को लोन मत दो बाकी लोग लोन मत दो और बाई चांस कोई कमर्शियल बैंक नहीं मान रही क्योंकि इज जस्ट अ रिक्वेस्ट इज जस्ट अ गाइडलाइंस यू कैन फॉलो इट इज नॉट मैंडेटेड जस्ट अ गाइडलाइंस पर अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो आरबीआई फिर अपने हिसाब से कार्यक्रम तुमसे करवा सकती है समझ जाओ कि अपने आप से आरबीआई तु, तुम चाह रहे हो आरबीआई अपने आप से कार्यक्रम करवाए अपना फिर चीफ टैक्टिक्स लगाए आरबीआई ठीक है तुमसे काम करवाने का तरीका है ना रेगुलेशन बैठाए तुम्हारे ऊपर नहीं चाहते ना तो इसीलिए तुम मान लो बात तो दैट इज मॉरल सुहासन ठीक है अब आते हैं सेंट्रल बैंक टॉपिक के ऊपर कि सेंट्रल बैंक का होता है और सेंट्रल बैंक जो है उसका वर्किंग सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ये सब चीजें सेंट्रल बैंक का रोल प्ले क्या होता है इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें हमको पढ़ना है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री सेंट्रल बैंक कौन होता है पापा पेरेंट्स पेरेंट्स होते किसके पूरे पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोमी के इट कंट्रोल्स रेगुलेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द बैंक एंड कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम सिंपल सी बात है कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट डायरेक्ट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इन अवर कंट्री द सेंट्रल बैंक एट अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट ठीक है इट वॉज नेशनलाइज द गवर्नमेंट इन नाइन नाइन एंड नेम्ड एज आरबीआई

गोल्ड रिजर्व रिजर्व या फिर फॉरेन फॉरेन के बेसिस पे अपने पास मेंटेन करके रखता है इसलिए तो हमारे करेंसी की वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी है तुम लोग बोले सौ रुपए की वैल्यू साठ रुपए पचास रुपए जीतनी है ना वो आरबीआई के कारण क्योंकि आरबीआई क्या करता है गोल्ड रिजर्व फॉरन रिजर्व अपने पास रखता है करेंसी की वैल्यू को इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए टू द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी ये देखो वही बात है टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई क्या करता है बैंक रेट बढ़ा देता है सब बढ़ा देता है रेपो रेट बढ़ा देता है वो बढ़ा देता है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है सब बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और डिफ्लेशन के टाइम में सारी चीजों को कम कर देता है तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है आरबीआई ठीक है प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन का काम भी आरबीआई ही करता है ठीक है और प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज एज जितना भी तुम बोलो बैंकिंग सिस्टम जो है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स होती है इकोनॉमी की तो इसको पूरे को कंट्रोल करने से आरबीआई सीधा सीधा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना पार्ट दे रहा है ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो अपना हिस्सा दे रहा है फंक्शन तो बैंक क्या है पहला नोट भाई तुमको पता होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास सोल तो अथॉरिटी है कि वो नोट छाप सकती है क्या कर सकती है डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है नोट छाप सकती है ठीक है तो द सेंट्रल बैंक इज ऑथोराइज टू इशू द करेंसी नोट इन कंट्री इट हैज द मोनोपोली Issue, no so, उपर, नोट इशू एज नो अदर बैंक परमिटेड टू डू सो इट बैंक टू ऑफ मनी है तो कॉन्फिडेंस कहा है नोट्स का दस सौ रुपए का नोट पांच रुपए में नहीं जाएगा ठीक है पहली बात दूसरी बात इससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है इकनॉमी में जब जब जरूरत हो नोट छापेगी जब जब जरूरत नहीं हो नहीं छापेगी ठीक है बैंकर काम करती है टू द गवर्नमेंट ठीक है तो देखो सेंट्रल बैंक एज एज अ बैंकर एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्मेंट एज अ बैंकर वो उनका अकाउंट मेंटेन करती है पेमेंट करती है रिसिप्ट लेती है एज अ एजेंट वो उन लोगों के बिहाफ में जो भी कार्यक्रम होता है सिक्योरिटी सेल करना या सिक्योरिटी को वो करना परचेस करना वो सब काम करती है और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन में वो एज अ एडवाइजर भी काम करती है गवर्नमेंट को तो ऐसे तीन फंक्शन वो रोल प्ले करती है एज अ बैंकर एज अ एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर तो इट मेंटेन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फंड रिसीव मनी और मेक पेमेंट

एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट डीलिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड ऑफ वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट की बात में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल मोनिट्री फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ डीलिंग करती है एज एजेंट ठीक है और गवर्नमेंट को हर हर तरीके के फाइनेंशियल मैटर में एडवाइजरी देती है एडवाइस करती है ठीक है बैंकर्स बैंक आरबीआई में तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं कमर्शियल बैंक का बैंक है क्या है कमर्शियल बैंक का बैंक है तो देखो द सेंट्रल बैंक एज अ एजेंस बैंक इन द फॉलोइंग मैटर कैसे

तो उस सिचुएशन में पहले तो बैंक हाथ पर मारती है दूसरे बैंक को कॉल लगाती, दूसरे को लगाती है दूसरे ब्रांच को कॉल लगाती है पैसा है क्या हमको जरूरत है पैसा है क्या मान लो जब सब लोग हाथ खड़े कर दिए हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास अभी आपको देने के लिए पैसा नहीं है तब वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई वर्क करेगा एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब आखिरी समय में आरबीआई ही फिर क्या करेगा बैंक को पैसा देगा कमर्शियल बैंक को जिस भी बैंक को पैसे की जरूरत है ठीक है फिर उसके बाद इट एक्स एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द कमर्शियल बैंक टू सेटल द इंटर बैंक दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑल द कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक इन विद सेंट्रल बैंक कीपर कैश बैलेंस सिंपल सी बात है जो सेंट्रल बैंक के पास अकाउंट खुले हुए कमर्शियल बैंक के उन अकाउंट को वो जो आरबीआई वो खुद ही सेटल कर देता है जैसे मान लो एसडीएफसी का कुछ उधार है आरबीआई के पास सॉरी एस बी आई के पास एस डी एफ सी का एस बी आई के पास कोई उधार है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इधर से पैसा निकाल के इधर डाल देगा हो गया सेटल वैसे पंजाब नेशनल बैंक एस डी एफ सी के पास है, इधर से निकाल के इधर डाल देगा एसबीआई के साथ है, तो इधर सेटल कर देगा तो बेसिकली क्लियरिंग हाउस मतलब क्लियर कर देता है को. मतलब जो भी डेट्स वगैरह रहते हैं उसको खुद ही डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करके क्या कर देता है क्लियर कर देता है अकाउंट्स को समझ में आया तो आरबीआई एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी काम करता है ठीक है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फिर से वही आ गया जब सेंट्रल बैंक सर्वे तो लेंडर ऑफ लास्ट रोटा कमर्शियल बैंक हाँ वही चीज लिखा है ठीक है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ठीक है

सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ठीक है और असेक्टर असेक्टर बहुत सारे तरीके अपनाता है कौन आरबीआई क्या करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए समझ में आई बात ठीक है जैसे बैंक रेट वो बढ़ा देता है इन्फ्लेशन के टाइम में ताकि लोग लोन ना ले किसी आर आर बढ़ा देता है ताकि बैंक लोन ना दे पाए पाएसएल बढ़ा देता था कि बैंक लोन ना दे पाए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है ताकि लोग लोन ना ले ताकि लोन डीमोटिवेट हो जाए और लोन ना ले तो ये सब चीजें वो करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम में ठीक है कस्टीडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व भैया कुछ लोगों को पता होगा इन कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल मतलब जब तुम्हारी इकोनॉमी में सारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है जब इकनॉमी में पैसा बढ़ जाता है प्राइस बढ़ जाती है देखो सिंपल सी बात है अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत है तो तुम डिमांड बढ़ा दोगे डिमांड बढ़ने के कारण क्या बढ़ जाती है प्राइस बढ़ जाती है ठीक है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं और डिफ्लेशन में अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तुम डिमांड कम करोगे डिमांड कम करोगे तो सप्लाई ज्यादा होगी प्राइस कम हो जाएगा तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं ठीक है सेंट्र बैंकेंज एंड इट द रिस्पॉसिबिली टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्चेंज रेट ऑफ द नेटिव करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी सिंपल सी बात है आरबीआई फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है फॉरन करेंसी रिजर्व अपने पास रखता है ठीक है और उस, उसको क्यों रखता है वो पहली बात तो करेंसी हमारी करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू का बढ़ाने के लिए ठीक है दूसरी बात आ, रिस्पॉन्सिबिलिटी द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट यही मतलब वही बात है कि हमारी करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू के साथ मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए वो ये काम करता है ठीक है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ठीक है तो ये तुमको रीड करना है खुद एज आत्मनिर्भर ठीक है क्योंकि इसमें वही सारी चीजें हैं जो तुमको समझाई गई है बस तुम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करोगे दोनों के बीच में दोनों के बीच में क्या करोगे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करोगे कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है ठीक है देखो जैसे यहां पर बोल रहा है ये लैंडर एट लास्ट रिसोर्ट लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है पर कभी फेल नहीं होता कभी फेल नहीं होता लेकिन कमर्शियल बैंक अंडरटेक रिस्की बिजनेस एक्टिविटी ऑन सम टाइम में फेल और कमर्शियल बैंक कुछ रिस्की बिजनेस एक्टिविटी करती है और उसमें वो फेल होती है फेल हो जाती है चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ देखो सेंट्रल बैंक इंजॉय सुप्रीम मॉनिटरी अथॉरिटी विद वाइट पावर भाई सेंट्रल बैंक के पास भयंकर पावर और ये सुप्रीम अथॉरिटी है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती और ऐसी कोई पावर के पास नहीं होती ठीक है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है इन लोग प्रॉफिट कमाने के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मनी इन द सप्लाई ऑफ इकोनॉमी भाई जो सोर्स ऑफ मनी है जो मनी सप्लाई का अल्टीमेट सोर्स है वो आरबीआई क्योंकि आरबीआई नोट इकोनॉमी में उसको डालता है है ठीक नो सच फंक्शन इज परफॉर्म बाय इट इट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट इट बैंकर टू द प्राइवेट इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन आरबीआई एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट काम करता है लेकिन कमर्शियल बैंक अ बैंकर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कंपनियों का और फॉर्म्स का और लोगों का जनरल पब्लिक लोगों का बैंकर की तरह काम करता है ठीक है इट नाइदर डज It neither does accept deposit from public nor land. ये भाई दिपोड़े, दिपोड़े पुड़े 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 से लेता नहीं है शब्दों में बोलू तो ये पब्लिक से डील नहीं करता और ये जनरल से डील तो जनरल से ही करती है ठीक है? स्टेट दैट इज स्टेट ओन एंड स्टेट मैनेज ठीक है ये जनरली सबॉर्डिनेट टू जबकि ये जो है प्राइवेटली मैनेज होता है इसको गवर्नमेंट ओन करती इसको है इसको प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं ठीक है ये नोट छाप सकती है ये ये क्रेडिट क्रिएशन करता है पर नोट नहीं छाप सकता ठीक है आरबीआई नोट छाप सकती है पर कमर्शियल बैंक नोट नहीं छाप सकता पर क्रेडिट क्रिएशन पैसा बना सकता है ठीक है द बेसिस ऑफ कैश मनी इज इश्यूड इज द गोल्ड और फॉरन एक्सचेंज द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन कैश डिपोजिट इसका जो बेसिस है वो है गोल्ड और फॉरन रिजर्व मैं तुम तो लोगों को पहले ही बता दी गोल्ड और फॉरन रिजर्व अपने पास रखती है आरबीआई और दूसरा इसका जो है कैश डिपॉजिट है बेसिस कैश डिपॉजिट से पैसा बनाती है समझ में लास्ट टॉपिक है बस थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं वीडियो को लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तुम्हारे कुछ 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 ना तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में तुमको बताया है और उसके बारे में तुमको कुछ कुछ डिस्क्राइब किया तो देखो पहला इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ को सेटअप हुआ था तो देखो इट वॉज स्टेब्लिश इन वन जुलाइन फोर्टी एट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एफ सी आई इज टू मेक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल यूनिट फंक्शन क्या है ग्रांटिंग लोन एडवांसिंग फॉर द पीरियड ऑफ 25 साल ठीक है सब सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्लोटेड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न्स तो इंडस्ट्रियल कंसर्न कंसर्न जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है उसको सब्सक्राइब करना ग्रांटिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी ठीक है फॉरेन करेंसी में भी लोन देना क्या फॉर डिफरेंट डेफर्ड डेफर्ड होगा वो ठीक है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स तो अगर तुम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो इतना बड़ा अमाउंट अगर तुम पे नहीं कर पा रहे हो तो यहां पर तुमको असिस्ट करेगी पेमेंट करने में डेफर् पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट में तुमको असिस्ट करेगी ठीक है दूसरा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाइनटीन फिफ्टी स्टैब्लिश हुआ था पंजाब में एट प्रेजेंट 18 एफ है पूरे पूरे इंडिया में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दस्टब्लिशमेंट ऑफ एस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द तो सिंपल सी बात है मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हेल्पलीस इसको यूज किया गया था आ, मतलब सेटअप किया गया था इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआई फिफ्टी मेन एम ऑफ इंडस्ट्रियल अंडर द प्राइवेट सेक्टर ओनली इट इज अ प्राइवेट बैंक तो सिंपल सी बात है इसका मेन एम था प्राइवेट सेक्टर वालों को असिस्ट करना और एक प्राइवेट बैंक है ठीक है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिक्सटी द मे ऑब्जेक्टिविशमेंट ऑफ एस आईसीविड इंडस्ट्रियलाइजन स्टेट इन देंट देर आर ट्वेंटी ऑफ इंडिया सी बात है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्जेक्ट था सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है इसका क्या है प्राइवेट सेक्टर को को असिस्ट असिस्ट करना करना इसका क्या करना। इसका क्या क्या है है मीडियम स्मॉल पेमेंट कराना फॉरेन करेंसी में लोन देना ठीक है शेयर को तो सब्सक्राइब तो अंडरलाइन करो सिर्फ मेन पॉइंट को नेक्स्ट है यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ था फर्स्ट फरवरी को मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मोबिलाईज होगा चैनलाइज कर लो उसको प्रोडक्टिव देवरेटिव इन्वेस्टर सिंपल सी बात है जो लोग सेविंग करते हैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करवाना ठीक है प्रोडक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट कराना लोगों की सेविंग को ठीक है तो ये है यूटीआई का, का काम 1964 फरवरी फर को सेटअप हुआ था सिर्फ मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करो यूटीआई के फंक्शन क्या है सेविंग को मोबिलाइज करना जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स है जैसे कि हम लोग ठीक है चैनलाइज करना सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में जैसे कि बिजनेसमैन लोगों को देना अंबानी लोगों को देना ताकि उन लोग हमारे जो डिपोजिट है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज लार्ज स्केल 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 इकोनॉमी अमंग स्मॉल इनकम ग्रुप तो सिंपल सी बात है इकोनॉमी मतलब जो बड़े बड़े लोग लोग काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और उससे बैंक को इनकम होगी और उस बैंक के इनकम से हमको इंटरेस्ट देना मतलब अल्टीमेटली हमारे डिपॉजिट में हमको थोड़ी बहुत इनकम करा देना चार पांच परसेंट की यही काम है यूटीआई का ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नाइनटीन सिक्सटी फोर हुआ था एक जुलाई को एपेक्स बैंक इन द इंडस्ट्री क्रेडिट ठीक है एपेक्स बैंक इसको अंडरलाइन करो ये एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन बनाइए देखो इट इज द एपिंग बैंक एपेक्स बैंक इन द इंडस्ट्रियल क्रेडिट अप टू 1976 इट इज द दब्सिडरी बैंक टू आरबीआई बट आफ्टर 1976 इट वाज फॉर्म एज ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन ये सिक्स बैंक था और आरबीआई के अंदर काम करता था ठीक है लेकिन सब्सिडरी बैंक मतलब आरबीआई के अंदर में काम करता था इतना ही समझ लो काफी होगा सब्सिडरी का मतलब कुछ और होता है पर अभी तुम यही समझ लो सब्सिडरी मतलब आरबीआई पेरेंट कंपनी है और ये उसके अंदर में काम करता था पर उसके बाद ये ऑटोनॉमस कॉपोरेशन हो गया तो ये भी एक पॉइंट है कि किस के बाद ये ऑटोनॉमस हो गया आईडीबीआई के फंक्शन देखो ठीक है इट कैन द दपरेशन एंड कॉर्डिनेशन अमंग द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट डायरेक्ट फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट इंडस्ट्रीज को ठीक है सेव द वीकर इंडस्ट्रियल थ्रू द डेवलपमेंट असिटेंट फंड डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड नाम का एक फंड देता है जिससे जो वीक सेक्शन होती है वीक इंडस्ट्रीज होती है वो बूस्ट हो जाती है असिस्ट टू द क्रिएशन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्रिएशन एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ना और प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट फाइनेंस एक्सपोर्ट करना है तुमको तो तुमको जो फाइनेंस की जरूरत एक्सपोर्ट करने की वो भी चीज आईडीबीआई प्रोवाइड करता है ठीक है एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टू फर्स्ट मार्च को सेटअप हुआ था इट इज बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एनबीएफआई ठीक है कन्फाइंड इट्स एरिया टू द ऑपरेशन टू द दॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो परफॉर्म द अदर फंक्शन तो भाई पहली बात तो ये इंडिया का जो फॉरन ट्रेड है उसमें अपने फंक्शन करके रखा पर कुछ अदर फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है जैसे कि एक्सपोर्ट रीडिस्काउंटिंग मतलब एक्सपोर्ट रिड्यूस करनी मतलब सिंपल सी बात है तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुमको उसको डिस्काउंटेड वे में एक्सपोर्ट करने का मौका मिले मतलब कम से कम में रीफाइनेंसिंग सप्लाई क्रेडिट बल्क इंपोर्ट फाइनेंस फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट क्रेडिट प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंट तो सिंपल सी बात है इतने टाइप के फंक्शन देता है भैया इसका मीनिंग समझाओगे भैया इन सब का मीनिंग बताओगे तो देखो इसका मीनिंग बहुत सिंपल सिंपल सा है ठीक है एक्सपोर्ट रिड्यूस में तुम बता दिया रीफाइनेंस सप्लाई क्रेडिट जो तुम्हारा क्रेडिट सप्लाई का होता है उसको फाइनेंस करना ठीक है बे, बेसिकली ये तुम लोगों का मैं बता रहा हूँ तुम को सारे फंक्शन किससे रिलेटेड है एक्सपोर्ट से रिलेटेड किससे रिलेटेड है एक्सपोर्ट से रिलेटेड है बल्क इंपोर्ट फाइनेंसिंग तुम एकदम एकदम करोड़ों का माल मंगा रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो भर के टैक्स लगेगा पूरी तुम्हारी जमा पूंजी उड़ जाएगी तो उसमें वो फाइनेंस करेगा तुमको ठीक है तुमको फाइनेंस करेगा तुमको पैसा देगा फॉरन करेंसी प्रीशिपमेंट क्रेडिट मतलब सिंपल सी बात है तुम फॉरन करेंसी में डील कर रहे हो तो तुम्हारा तो प्रीशिपमेंट मतलब क्या होता है पहले से ठीक है तो पहले से तुमको डील फाइनलाइज कर देना पहले से क्रेडिट रेट डिसाइड कर लेना ये सारी चीजें तुमको हेल्प करता है डीलिंग करने में ठीक है प्रोडक्ट इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम तुम्हारा कोई प्रोडक्ट इक्विपमेंट है उसको भी तुमको फाइनेंस करने में हेल्प करता है ठीक है और बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंस तुमको देता है अगर तुमको फॉरेन के साथ डील करना है या फॉरेन बिजनेस करना है या तुमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करना है तो तुमको एडवाइजरी फंक्शन भी देता है जिसको हम बाटा बोलते हैं क्या बोलते हैं बाटा बिजनेस एडवाइजरी टेक्निकल असिस्टेंट ठीक है तो टेक्निक टेक्निकल असिस्टेंस सारी तुमको देता है फाइनली आ रहा है नाबार्ड नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाइन टू में सेटअप हुआ जुलाई में ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सी आर ए एफ आई कार्ड ठीक है क्राफी कार्ड ठीक है इट इज द इजेक्स बॉडी इन एग्रीकल्चर क्रेडिट इसका क्या है एग्रीकल्चर सबके मेन पॉइंट हाईलाइट कर दो ठीक है इट टेकन ओवर द ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एआरडीसी तो क्या बोल रहा है इसने टेक ओवर कर दिया फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट जो कि आरबीआई का डिपार्टमेंट था ठीक है और एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिंग डिपार्टमेंट कॉपोरेशन को ठीक है मतलब दोनों को मिला के एक चीज बना दी गई इट प्रोवाइड ऑल सोर्सेज ऑफ रिफाइनेंसिंग टू द दिव कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ठीक है तो क्या बोल रहा है इट प्रोवाइड्स ऑल सोर्स ऑफ रीफाइनेंसिंग टू द दिटि कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ठीक है इट ऑल्सो प्रमोटिंग द रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में भी ये फाइनेंस करता है अगर तुमको एग्रीकल्चर में रिसर्च करना है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई रिसर्च करना है तो इसमें भी तुमको ये फाइनेंस जरूर करेगा ठीक है फिर आया एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ठीक है बाय ये कब सेटअप हुआ में बाय टूर्टी फाइव प्राइवेट इंश्योरेंस 245 दो सौ कंपनी को मिला के बनाया गया प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी सेकंडलीफ टू डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड सिक्योरिटी फाइव परसेंट लिविंग स्मॉल पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ट्वेल्व पॉइंट टू तो सिंपल सी बात है दो ऑब्जेक्टिव था पहली बात तो जो तुम्हारे जो लोग इंश्योरेंस कराने जाते हैं नहीं, हम कस्टमर हम लोग राइट्स को प्रिवेंट करना और दूसरा पब्लिक सेक्टर को बड़ा शेयर देना गवर्नमेंट को बड़ा सेक्टर देना सिर्फ ट्वेल्व परसेंट का, का शेयर जाना तो मोटिवेंट तो के लोगों का इंटरेस्ट बचाना जनरल इंश्योरेंसेंटी इट वॉज फॉर्म एस गवर्नमेंट कंपनी टू बिफोर अ फ्यू बिग वर इन दिस बिजनेस एट प्रेजेंट जीआईसी प्रोवाइडेड फोर कंपनीज आर तो बोल रहा है कि जी बनने के पहले कुछ ज से और कुछ अराउंड स्मॉल स्मॉल कंपनी से इस बिजनेस में पर जीआईसी बनने के बाद ये चार कंपनियां इसके अंदर अभी काम कर रही है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसी न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये चार कंपनियां अभी फिलहाल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में है ठीक है द मेन फीचर ऑफ इज टू सेल इंश्योरेंस सर्विस अगेन सम फॉर्म्स ऑफ रिस्क लाइक लॉस ऑफ फिजिकल वेरियस इज द फायर एक्सीडेंट एर अगेंस पर्सनल सिक्नेस एंड एक्सीडेंट तो सिंपल सी बात है बात को वही है फायर इश्योरस देना या तुम्हारे एसेट डिस्ट्रॉय होने का तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस देना ये सारी चीज दे का काम ये करता है ठीक है पर्सनल सिकनेस और एक्सीडेंट वगैरह ठीक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इट वॉज सेटरी ऑर्गनाइ रिओर्गनाइजेशन नाइन टू द मेन परस ऑफ बिजनेस इन स्टॉक मार्केट एंड अर सिक्योरिटी तो सेबी तो तुमको पता है सिक्योरिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काम है जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या तुम्हारे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी जो भी चीजें हमारे कंट्री के अंदर उसको करता है। की हमको मानने है। पड़े हो, 90 होता है, है? सेबी तो बोला है कि नाइन परसेंट सब्सक्रप्शन होना ही चाहिए ठीक है फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक एडबी नाइन में स्टेबलिश हुआ था मेन नेम ऑफ द्लिशमेंट ऑफ एडीबी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशियन पैसेफिक इज वॉज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ थर्टी सेवन कंट्रीज फ्रॉम रीजन एंड सिक्सटीन कंट्रीज फ्रॉम आउट साइड द रीजन अब देखो ये सब पूरा डेटा है तो मैं तुमको क्या एक्सप्लेन करूँ देखो बोल रहा है थर्टी सेवन कंट्रीज फ्रॉम रीजन और सिक्सटीन कंट्रीज फ्रॉम आउट साइड द रीजन है ठीक है एशिया का है मेस्ट्लिश टू प्रमोट द सोशल इकनोमिक प्रोग्रेस ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया और पैसेफिक मतलब पैसेफिक साइड में और एशिया साइड में जितनी भी कंट्रीज है जो भी इसकी मेम्बर है उसके इंटरेस्ट को बचाना ठीक है सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हेडक्वार्टर जो है वो मानिला फिलीपींस में है ठीक है तो ये तुम लोग याद कर लेना मनीला फिलीपींस फिलीपीन का हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और पॉवर्टी रिडक्शन इज नाउ द मेन एम ऑफ मिशन ऑफ एडीबी तो पॉवर्टी को कम करना मेन हो गया किसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का ठीक है नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ नाइन फोर्टी में सेटअप हुआ था ठीक है आउट ऑफ द आउटकम्स ऑफ ब्रेट ऑन कॉन्फ्रेंस वॉज आई एम एफ द मेन ऑब्जेक्टिव तो देखो किसका आउटकम है आई एम एफ कैसे सेटअप हुआ ब्रेट वुड कॉन्फ्रेंस के बाद आई एम एफ सेटअप हुआ तो ये भी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बन गया मेम ऑब्जेक्टिव आई एम एफ इज टू एडमिनिस्टर कोड ऑफ प्रैक्टिस इन द ऑफ फॉर एक्सचेंज एंड टू मेक लोन टू द इकोनॉमी एक्सपीरियंस टेम्पर डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट तो, तो सिंपल सी बात है फॉरन एक्सचेंज को रेगुलेट करना और ऐसी कंट्रीज को लोन देना जिनका करंटली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है मतलब बेसिकली वो कंट्री उधार में चल रही है लोन्स में डूबी हुई है तो उनको फाइनेंस करना यह आई एम एफ का काम है कोटा इट इज मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन इनकम एंड इंटरनल ट्रेड रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब कोटा पार्टली इन गोल्ड ट्वेंटी पार्टली इन डोमेस्टिक करेंसी सेवेंटी फाइव परसेंट तो कोटा क्या है members का कंट्रीब्यूशन है जो कि फिक्स है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम का इतना प्रतिशत तुमको कंट्रीब्यूट करना है ठीक है एंड इंटरनल ट्रेड में इंटरनल ट्रेड मेंबर्स जो है उनको भी आर रिक्वायर टू सब्सक्राइब कोटा पार्टली इन गोल्ड पच्चीस परसेंट और डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है वैसे भी गोल्ड और डोमेस्टिक करेंसी मतलब करेंसी के बेसिस पे ही कोई भी रिजर्व बना जाता है एक्सचेंज रेट क्या होता है मेंबर ऑफ आई एम एफ टू डिक्लेयर द पार वैल्यू ऑफ द नेशनल करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अमेरिकन डॉलर वन द पार वैल्यू ऑफ डिफरेंट फिक्स इट बिकम इजी डेटम इन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज तो मेंबर कंट्रीज जो है जो आई की मेंबर्स कंट्रीज उन लोगों को अपनी फॉरन करेंसी का फिक्स रेट बताना है जैसे इंडिया वालों को भी अपनी करेंसी का फिक्स रेट बताना है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अमेरिकन डॉलर्स दोनों बेसिस में तुम लोग सोचते हो भैया हम लोग हमेशा इंडियन करेंसी को डॉलर के टर्म से क्यों वैल्यू करते हैं कि क्या बोलते हैं एक डॉलर इज इक्वल टू सत्तर आ, एक हाँ वही तुम्हारा एक डॉलर इज इक्वल टू सत्तर रुपए एक डॉलर इक्वल टू सेवेंटी फोर रुपीज एक डॉलर इजल टू सेवेंटी नाइन रुपीज जितना भी अभी करेंट रेट चल रहा हो डॉलर में क्यों टर्म करते क्योंकि भाई आई बोलता है आई बोलता है इसीलिए क्योंकि वो जो है जो अमेरिका है तुमको पता है सुपर पावर है स्पेशल फर्स्ट इन इट इज करेंसी इशूड फॉर टू क्रिएटेड एस डी आर देर टू द शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टू वाइड द मूवमेंट ऑफ गोल्ड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज तो बोल रहा है एस डी आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो नाइन सिक्स में सेटअप किया इसके बारे में तुमको ज्यादा इन्फॉर्मेश नहीं दिए बस बोल रहा है दो रीजन के कारण क्रिएट किया गया पहला ज ऑफ गोल्ड जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही थी उससे ओवरकम करने के लिए और दूसरा मूवमेंट ऑफ गोल्ड जो नेशनल बाउंड्रीज में बार 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 जो गोल्ड का मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ठीक है आर आर कूपन कूपन तो देखो इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ गोल्ड हैंस इट इज कॉल्ड पेपर गोल्ड तो बोल रहा है गोल्ड के जगह में मतलब एस डी आर इन प्लेस ऑफ मतलब तुम गोल्ड देके कूपन ले लोगे और वो कूपन तुम्हारा गोल्ड के इक्विवेलेंट है ठीक है तो इसीलिए इसको पेपर गोल्ड बोला जाता है

520 डॉलर इट आल्सो ग्रांड क्रेडिट ऑन चीप टर्म्स कंपेयर टू वर्ल्ड हुआ है को देने में जिनका पर कैपिटल इनकम ट्वेंटी डॉलर से कम है रुपीजी डॉलर ये कब का डेटा है? है ना अभी लेटेस्ट डेटा कुछ और होगा और तुम्हारी बुक में जो दिया तुमको तो वही पढ़ना है ठीक है तो फाइव ट्वेंटी डॉलर से कम है ठीक है तो ये क्या देती क्रेडिट देती क्रेडिट मतलब लोन देती है और बहुत कम रेट में लोन देती है वर्ल्ड बैंक से बहुत कम रेट में लोन देती है ताकि उन कंट्रीज को डेवलप कर पाए और उनका पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ जाए तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस तुम लोग समझ में आगेगा और भाई मैं पहले बता दू जो बच्चे बोलते हैं कि भाई आप पूरा पूरा कंटेंट हाईलाइट क्यों कर देते हो तो भाई मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं मैं रीडिंग कर रहा हूं कि एक भी वर्ड स्किप ना हो मैं जो रेड पेन से हाईलाइट करता हूँ इज सम इंपॉर्टेंट सम्स और बाकी तुम लोग खुद ही समझ जाओ कि क्या क्या चीजें देखो तुमको इंपॉर्टेंट दिखती होगी अब मॉरल सुन तो भाई पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही हमको मीनिंग समझ में आया तो पूरा पैराग्राफ तो उसमें पढ़ना ही पड़ता है तो वो बात है समझे तो ऐसे नहीं हो सकता कि हर पैराग्राफ में तुमको चार पांच की निकाल के दे दू और बस वही उसका आंसर होगा समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात तुमको शॉर्ट में नोट लिख के रखना है कि बैंक रेट बढ़ता है बैंक रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होती है बैंक रेट कम होता है मनी सप्लाई बढ़ती है ऐसे शॉर्ट में लिख लो बैंक रेट पॉलिसी लिखो तो उसके अंदर में लिख लो कि बैंक रेट जो है वो ये रेट होता है क्या बोलते हैं जिसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है और फिर दूसरा तुम लोग कॉन्सिक्वेंस लिखो सिंपल तो ऐसे तुम लोग दिमाग से नोट्स बनाया करो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो का इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर दो तो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिये बाय बाय